सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम में विद्यार्थी अवसर ऐप का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अवसर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर के सर्च इंजन में हम अवसर टाइप करेंगे। जैसे ही हम अवसर टाइप करेंगे, अवसर पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन में हाथ में फ़ोन लिए हुए एक लोगो आएगा। वही अवसर ऐप का निशान है। उसमें हम देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल है, इसलिए ऊपर लिखा आ रहा है। आपके में इंस्टॉल नहीं है तो नीचे ब्लू कलर की पट्टी आएगी और उस पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन में अवसर ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम उसे ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट टीचर। तो हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम स्टूडेंट पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, यदि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पलवल है, तो हम इसमें से सर्च कर लेंगे और पलवल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब हम सिलेक्ट ब्लॉक करेंगे तो पलवल के जितने भी ब्लॉक हैं वो सारे आ जाएंगे। उनमें से हमारा जो ब्लॉक है उस पर हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो होडल है हमारा, तो होडल पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्कूल आएगा। तो सिलेक्ट स्कूल में बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से अपना स्कूल कोड पूछ लीजिए कि आपके स्कूल का कोड क्या है। उस स्कूल कोड को हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे 11480। हमने यहाँ पर स्कूल कोड डाल दिया तो हमारे स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। उस पर हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे सेकंड क्लास में पढ़ते हैं हम, हमारा बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्लास में इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से हम अपना नाम ढूँढ लेंगे कि हमारा क्या नाम है। इस तरह से सारी लिस्ट को हम ऊपर करते देख सकते हैं और जो भी हमारा नाम है हम इसमें से उसे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा नाम हृदयांश है मान लो, तो हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो डेट ऑफ बर्थ हमें वो लिखनी है जो भी हमारे आधार कार्ड में है। आधार कार्ड में जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो एडमिशन होता है वो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही होता है। उसी से हमें हमारा डाटा, कहीं भी हम ढूंढेंगे तो उसी से हमारा डाटा हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20-2, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे हम जाएंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे जाते हैं तो हमारा होम पेज खुल जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ऊपर ब्लू लाइन में एक्टिव सर्वे लिखा हुआ है। इस एक्टिव सर्वे पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन से बॉक्स बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट नाउ। तो आज का जो हमारा एक्टिव सर्वे है उसको अटेम्प्ट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे अटेम्प्ट नाउ पर। उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन शीट खुल जाती है, जैसे क्वेश्चन 1। तो इन सारे क्वेश्चंस का हम बच्चों से पूछेंगे। बच्चा अगर इसने पढ़ नहीं पा रहा है तो हम उसकी इतनी हेल्प कर देंगे कि इसके बाद, जैसे 49 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो बच्चे से पूछेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि बाद में कौन सी संख्या आती है। बच्चा बता देता है, जो भी संख्या बच्चा बताता है उसी संख्या को हम इस तरह से यहाँ पे फिल करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जब सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नीचे सबमिट सर्वे लिखा हुआ आ जाता है। तो हम सबमिट सर्वे को प्रेस कर देंगे और हमारा जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, इसके बाद हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि यह एक्टिव सर्वे प्रतिदिन अपने बच्चों का अवश्य भरें
और इसी प्रकार के अगर आपको किसी भी चीज़ में समस्या आती है तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।